लॉकडाउन की दुनिया में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बीते दो दिन पहले यानी कि 6 अगस्त के दिन पॉपुलर एक्टर समीर शर्मा को लेकर खबरें सामने आई कि समीर शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही समीर शर्मा के निधन की खबर सामने आई तो इस खबर ने सभी को अंदर से झकझोर कर रख दिया और हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, आखिरकार समीर ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। समीर शर्मा अब हमारे बीच नहीं है तो वहीं उनको लगातार सभी याद करते हुए नजर आ रहे हैं। समीर शर्मा के निधन के बाद ना सिर्फ टीवी इंडस्ट्री के सभी सेलेब्स हैरान हैं, वहीं उनके करीबी दोस्त भी हैरान हैं। ऐसे में आपको बता दें कि टीवी के मशहूर एक्टर और समीर शर्मा के करीबी दोस्त अविनाश सचदेव भी काफी सदमे में हैं। टीवी सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं एक बार फिर, इस सीरियल में दोनों ने साथ में काम किया था। वहीं समीर के निधन के बाद अविनाश सचदेव भी काफी सदमे में हैं, उन्हें याद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अविनाश ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। अविनाश ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में काफी सारी बातें शेयर की हैं, अपने मस्ती भरे पलों के बारे में बताते हुए नजर आए हैं। अविनाश कहते हुए नजर आए हैं कि वो और समीर साल 2013 से एक दूसरे के दोस्त हैं। जब भी वो समीर से बात करते थे तो उन्हें ऐसा कभी नहीं लगता था कि उन्हें डिप्रेशन की परेशानी है। समीर हमेशा कविताओं और अपने काम के बारे में बातें किया करते थे। इतना ही नहीं, अविनाश ने समीर शर्मा के साथ हुई बातचीत को लेकर भी खुलासा किया। अविनाश कहते हुए नजर आए कि समीर से मेरी आखिरी बार बात 22 जुलाई को हुई थी। वो मलाड में अपने घर पर अकेले थे। उनके पास ना तो काम की कमी थी और ना ही पैसे की। वो अपनी जिंदगी को लेकर काफी खुश थे। समीर मुझसे जल्द से जल्द मिलकर पार्टी करना चाहते थे। और इस तरीके से अविनाश ने समीर को लेकर ये बड़ा खुलासा किया। लेकिन जैसे ही 6 अगस्त के दिन खबरें सामने आई कि समीर शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है तो इस खबर ने सभी को अंदर से झकझोर दिया और हर कोई अंदर से टूटता हुआ नजर आया कि आखिरकार समीर शर्मा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। आज समीर हमारे बीच नहीं है, वहीं उनकी यादें हैं जो हमारे बीच जिंदा रह गई हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।